और ये मैं शिवराजपुर बीच में द्वारिका के पास, और अगर मैं आपको बोलूँ ये गोवा है तो भी आप लोग यकीन कर लेंगे, इतना शानदार मज़ा, आहा मज़ा आ गया। इसे ब्यूटीफुल बीच ऑफ शिवराजपुर, और कितना शानदार यहाँ पे वेव्स आ रही हैं, ये देखिए, और सामने ये नीला समुंदर, और ये व्यू शिवराजपुर बीच का। अरे अलका ऑटो नू वहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये सैंड ब्यूटीफुल व्यू, और ये यहाँ पर शानदार मजे हो रहे हैं, और ये डुनू उधर देख, उधर देख हैंडिला। गाइस आपको मजा आ रहा होगा ये वीडियो देख करके, और हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये व्यू पूरा शानदार शिवराजपुर बीच का, एक मस्त विजिट प्लेस है द्वारिका आ रहे हैं। तो हम अपने द्वारिका दर्शन के दूसरी जगह पर पहुंच गए, और इस जगह को गोपी तालाब बोलते हैं, और ये सोमनाथ मंदिर से ये नागेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको जगह मिल जाएगी। और ये गोपी तालाब अर्जुन कुंड का मुख्य प्रवेश द्वार, अब आप देख सकते हैं 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये तीर्थ गोपी तालाब, आप देख सकते हैं गोपी तालाब, और इसके पीछे जो कहानी है वो ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि गोपियों को आप वृंदावन सकुशल छोड़कर आएंगे। इसके बाद अर्जुन को जो कि घमंड था अपने ऊपर, तो वो छोड़ने के लिए गया, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में उनको एक भील ने घेर लिया, जिसके कारण उनको बांध दिया गया, और फिर वो उनको नहीं छोड़ पाए। तो ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में गोपियों ने अपना जल ग्रहण समाधि ले ली, और अर्जुन को अपनी जो घमंड था वो दूर हुआ, और तब से इस तालाब की मिट्टी को गोपी चंदन भी कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप गोपी चंदन, गोपी तालाब। डालो और डालो और डालो डुल्लू, तुम डालना, तुम्हें ही खाना समझ के खा जाएंगे डुल्लू। सो गाइस, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और आप में से कितने लोग गोपी चंदन को नहीं जानते थे, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।